सरदार शहर से 9 नामांकन भरे गए। सरदार शहर विधानसभा चुनाव को लेकर 9 नामांकन दाखिल किए गए हैं। कांग्रेस से अनिल शर्मा, भाजपा से राजकुमार रिड़वा, आरएलपी से लालचंद मुंड निर्दलीय के रूप में नामांकन भरे हैं। वहीं राजकरण चौधरी, राजेंद्र भांभू, राम सिंह ने निर्दलीय के रूप में नामांकन भरे हैं। बसपा के ओम प्रकाश खेजड़ा, राम सिंह सीपीएम से, छगन लाल चौधरी ने 2 नामांकन भरे हैं। कुल 8 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। वहीं आज निर्दलीय के रूप में सरदार शहर नगर परिषद के सभापति राजकरण चौधरी ने नामांकन दाखिल किए हैं। इस अवसर पर राजकरण चौधरी के साथ पूर्व विधायक अशोक पिंचा, जिला प्रमुख प्रतिनिधि मोहन लाल आर्य, बोले खां चायल, नगर परिषद के प्रतिपक्ष नेता राकेश टाक, पार्षद अमरचंद मीणा, श्रवण चिराणिया आदि मौजूद रहे। वहीं भाजपा से पूर्व मंत्री राजकुमार रिड़वा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस अवसर पर राजकुमार रिड़वा के साथ प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, पंचायत समिति सदस्य श्यामलाल शर्मा, मुरलीधर सैनी, राजेंद्र सिंह छाजूसर, पार्षद मदन ओझा, पूर्व प्रधान भैरव सिंह राजपुरोहित, सुशीला सारण आदि मौजूद रहे हैं। वहीं बसपा से ओम प्रकाश खेजड़ा और आरएलपी से लालचंद मुंड ने नामांकन दाखिल किया है। विधानसभा चुनाव रोचक बनता जा रहा है। कांग्रेस एवं भाजपा के असंतुष्टों का एक बड़ा दल राजकरण चौधरी के नेतृत्व में एकजुट होता जा रहा है, जो कांग्रेस एवं भाजपा के साथ त्रिकोणीय बनाएगा। वहीं आरएलपी, सीपीएम एवं बसपा भी अपना दम आजमाएंगे। निर्दलीय की जोर आजमाइश भी देखने योग्य रहेगी। कांग्रेस एवं भाजपा दोनों ही प्रमुख दलों को अपनी पार्टी के बागी पदाधिकारियों से खतरा बना हुआ है। काम क्यों नहीं रहा साया, ये मुझे पता नहीं है। मैंने मेरे दिल से काम किया, उपचुनाव तक सब ठीक था। ये बताना बहुत जरूरी है, दिल की पीड़ा बतानी बहुत जरूरी है। मैं मेरे चुनाव लड़ने की कल शाम तक कोई मंशा थी, 3 घंटे तक मंथन चला। मैंने 100 भाइयों का भाई, मैं चुनाव में नहीं करूंगा। मुझे जो आप काम बताएंगे मैं काम करूंगा, उम्मीदवार आप अपना निकाल। परिस्थितियां बनती है और जिस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ हुआ, एक राजकरण चौधरी गलत हो सकता है मेरे से कई गलती हुई हो। पहले तो जैसा भाई जी ने कहा, उस गलती को बताना चाहिए। नेता वो होता है कि भाई आप इस तरीके से काम करो, आपकी ये गलती है। आज तक मुझे ये नहीं बताया गया कि आपकी गलती क्या है। और जिस प्रकार से मुझे मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई गई, मेरे पिता ने एक ही बात सिखाई कि स्वाभिमान जिंदा रखो, पद कोई वैल्यू नहीं रखता, पद कोई बात नहीं होती। और उसमें जब मेरे स्वाभिमान पे आया तो मैंने मेरा निर्णय लिया और मैंने मेरे साथियों के दिल के साथ में ये काम मेरा नगर तक परिषद का शुरू किया। उपचुनाव में हमने झोली मांग मांग के लोगों से वोट मांगे और मैंने ये तक कहा कि अगर शहर में कहीं भी गलती मेरे से हुई है तो उसकी सजा मुझे देना, भाई अनिल जी को मत देना। और उसका भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दी है मेरे को, सरदार सर से चुनाव बनाने के लिए प्रत्याशी बनाया है, उसकी प्रक्रिया में आता है वो जो भी काम वो करके आ रहा है। 25 तारीख का चुनाव उसकी तैयारी करेंगे जाकर, और अभी जनता से अभी अपील कर कर आए हैं कि ठीक है हमें भी एक बार मौका देकर देखो। सर बड़ी है 15 वर्ष तक हमने रामनाथ जी रखा है, खूब बढ़िया काम की है। उन लोगों से पूछो, अगर सही लगे तो वोट देना। सर बड़ी चुनौती है सरदार शहर में। चुनौती तो अब क्या कहें, चुनौती क्या है, जनता है, जनता समझेगी क्या चुनौती है। हमें तो जो निर्देश मिला है पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व ने दिया है, हमें वो काम करना है अपना। अब तो जनता ही जनता और मालिक के हाथ में है। क्यों वही रहता मुकाबला, तो राष्ट्रीय पार्टियाँ उन्हीं का होता है मुकाबला, तो ये सब जानती जनता। थैंक यू सर। देखिए जनता जो करती है अच्छा करती है, और मैंने पिछले 11 महीने से लगातार जनता के बीच में रहा हूँ, जनता की सेवा की है, हर सुख दुख में जनता के साथ बीच में खड़ा रहा। इसलिए निश्चित रूप से जो सेवा करता है इसका फल जनता देती है, और मेरे को पूरा विश्वास है कि आने वाली 25 तारीख को अधिक से अधिक संख्या मतदान करके मेरे चुनाव जिताएंगे। मुकाबला अभी नॉमिनेशन में 9 तारीख को पता चलेगा। क्या चुनाव में हमारे मुद्दे बिजली, 8 घंटे बिजली का है, टोल मुक्त राजस्थान का है, कर्ज मुक्त किसान का है, पेपर लीक की घटना न हो, बहुत से मुद्दे हैं जो, और बेरोजगारों को रोजगार का मुद्दा है। हाँ बिल्कुल आएंगे, बेनीवाल जी और वो चंद्रशेखर आज़ाद दोनों आएंगे, या मीटिंग करेंगे। उम्मीदें वर्तमान में जिस स्थिति में मैंने आवेदन किया, मैं भावी विधानसभा की आज एमएलए का आवेदन किया है, और यहाँ सरदार सर की मुझे पूरा भरोसा है कि विधानसभा में
यहाँ की पब्लिक है। यहाँ के स्थानीय दलित शोषित पीड़ित कमजोर वर्ग के जो जिन वर्ग की कोई नहीं सुनता है, इस वर्ग की हम विशेष रूप से सुनाई करेंगे और इनका काम करेंगे।